So, दोस्तों काफी दिनों बाद बहुत सालों बाद एक रामगोपाल वर्मा की मेन स्ट्रीम मूवी आई है सरकार 3 सीक्वल टू सरकार सरकार 2 सरकार राज व्हाट एवर एंड नाउ वी हैव सरकार 3। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, मनोज बाजपेयी, रोनित रॉय, जैकी श्रॉफ, रोहिणी हथनगड़े, अमित शाह, यामी गौतम, भरत डाबोलकर। यानी कि फिल्म एकदम खचाखच टॉप क्वालिटी एक्टर्स से भरी हुई है और ये बात है फिल्म की सबसे अहम खास और द बिगेस्ट प्लस पॉइंट फॉर द मूवी। ग्रेट कास्ट, ग्रेट लाइन ऑफ एक्टर्स, बेसिकली दे आर ऑल परफेक्ट थिएट्रिकल और वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव राइट नाउ इन बॉलीवुड। दोस्तों अगर मैं आपको फिल्म की कहानी बोल दूं तो फिल्म यही खत्म हो जाएगी। सो बेसिकली फिल्म की कहानी कुछ जबरदस्त खास है नहीं और ना ही कुछ नया है। ये है मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और ये इस बात पूरी मूवी में आपको खलेगी क्योंकि ये कहानी बहुत सिंपल सी है और मैं कहूंगा तो एग्जैक्टली कॉपी ऑफ सरकार 1। सो बेसिकली ये सरकार 1 का रीमेक है, सीक्वल तो है ही लेकिन बेसिकली स्टोरी वाइज मूवी वाइज सरकार 1 का एग्जैक्ट रीमेक है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की जो सबसे बड़ी खास बात है वो है ग्रेट कास्ट। मूवी के कुछ शॉट्स, सिनेमाटोग्राफी भी काफी अच्छी है, कुछ कुछ जगह पर कहीं ओवर द टॉप लगती है या कहीं शॉर्ट फ्रेम्स, हाफ फ्रेम्स, टिल्टेड एंगल्स जिसके लिए RGB बहुत फेमस हैं, और obnoxious प्लेसमेंट्स ऑफ props लाइक गुड़िया या मूर्ति या ये ऑल दैट थिंग, द ट्रेडमार्क क्वालिटी ऑफ रामू इज स्टिल देयर। सो आई वुड से लुक वाइज या तो ये एकदम प्योर हिट लुक है या तो प्योर आई लव द लुक है। यानी कि आप इसमें कोई दो राय नहीं बना सकते, सिंपल सी राय, या तो आपको सिनेमाटोग्राफी बहुत पसंद आएगी या आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लगभग ऐसी है दोस्तों कि सुभाष नागरी का जो पोता है प्लेड बाय अमित शाह, उसे अपनी जायदाद की गद्दी पे हासिल करना है। यानी कि बेसिकली ही वांट्स टू रूल व्हाट एग्जैक्टली सुभाष नागरी इज डूइंग। नाउ सुभाष नागरी का ये पोता है बड़ा अलबेला किस्म का बंदा है, इसकी मेंटालिटी सुभाष नागरी से कहीं काफी हटके है और इसी वजह से सुभाष नागरी यानी अमिताभ बच्चन के अंदर घर के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा इश्यूज जो बाहर भी हैं, जो एक्स्ट्रा विलन्स हैं और जो उसका जो माइंडसेट है वो ऑल है। तो बेसिकली मूवी ये दिखाने की कोशिश करती है कि कैसे सुभाष नागरे घर के अंदर के जो इश्यूज सॉल्व कर रहा है, पर्सनल लाइफ के इश्यूज, और उसके साथ साथ जो बाहर पनपते हुए जो गुंडे हैं उनके साथ जिंदगी में मिले हुए हैं उनको कैसे टैकल करता है। और जो माइनस पॉइंट्स में ये बात भी है कि जो लेडीज कैरेक्टर है, जो सुप्रिया पाठक जो अमिताभ बच्चन की वाइफ बनी है, यामी गौतम और रोहिणी हथनगड़े जो बहुत ही अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इनके रोल्स काफी छोटे हैं और लगभग ना के बराबर हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, इस वजह से मूवी थोड़ी हाफ हैजर्ड लगती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि मूवी की स्क्रिप्ट काफी सिंपल, काफी इंस्पायर्ड फ्रॉम सरकार 1 है और इस सिंपल से स्टोरी के अंदर जो बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स घुस गए हैं उसकी वजह से एक्टर्स तो जबरदस्त है, सारे के सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टर्स हैं लेकिन उनके पास कोई मीटी रोल्स नहीं है, कोई जबरदस्त मोटिव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी में ना ही कोई जबरदस्त शॉकिंग थेरेपी है, ना ही कोई सस्पेंस है, ना ही कोई माइंड बेंडिंग ट्विस्ट है। मतलब सिंपल लीनियर लाइन पर चलती हुई स्टोरी है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं और उस वजह से आपको लगे कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। तो कहावत है कि टू मेनी शेफ्स कैन स्पॉइल द डिश, तो एग्जैक्टली वही हुआ है सरकार 3 के साथ कि इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जो बिट्स एंड पार्ट्स में आते हैं, सबका मोटिव वही है और उसी वजह से उन सारे ग्रेट एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी आपको ठीक से नजर नहीं आती है। परफॉर्मेंस वाइज अमिताभ बच्चन इज रूलिंग द स्क्रीन, आई मीन एवरी फ्रेम वी हैव अमिताभ बच्चन एज सरकार, एंड मनोज बाजपेयी इज अनदर वन हु स्टैंड्स आउट इन हिज ब्रीफ रोल एज परफॉर्मेंस व्हेन इट कम्स टू ग्रेट डायलॉग्स। रोनित रॉय जो भी छोटे से रोल में है काफी अच्छा रोल है उनका वो भी, लेकिन थोड़े जैसे मैंने कहा जस्ट ऑन बिट्स एंड पार्ट्स। द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी व्हिच आई लाइक वाज व्हिच आई डिडंट लाइक वाज द रोल ऑफ जैकी श्रॉफ। आई मीन जैकी श्रॉफ अगर फिल्म में ना भी हो ना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई मीन वो एक कैरेक्टर में जो डॉन है जो अब्रॉड में रहता है उसकी दुश्मनी होती है, आई मीन दैट कैरेक्टर वॉज नॉट एट ऑल नीडेड एंड मुझे पता भी नहीं कि वो क्यों डाला गया है, उसकी क्या जरूरत थी और उसके डायलॉग्स और वो बेसिकली दैट एंटायर पार्ट ऑफ जैकी श्रॉफ चुट मी देर। आई मीन उसकी बिल्कुल जरूरत थी ही नहीं, फिर भी जबरदस्ती घुसेड़ दिया है और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। RGB ने वो सारी चीजें ट्राई की जो उन्हें ट्राई करनी चाहिए थी। बेसिकली द एग्जैक्ट फ्रेम, द कलर टोन ऑफ द मूवी इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक वी हैड इन सरकार 1 एंड सरकार 2 विच इज गुड एक्चुअली, लेकिन स्लो कैमरा एंगल्स, वाइड जूम्स और ऐसे ऐसे शॉट्स जिसकी कभी जरूरत पड़ती नहीं है, जो ऑकवर्ड लगते हैं, वेरी वेरी स्लो एंड वेरी वेरी डायलॉग्स विच हैज नो पंच लाइन्स, जिसमें डायलॉग्स और एक किरदार बार बार एक ही चीज को रिपीट करे जा रहे हैं। मतलब सारे के सारे एक्टर्स इस तरह से पेश आते हैं अपने छोटे मोटे रोल्स में जैसे कि वो या तो बहुत ही
दमदार हैं या तो बहुत ही डरे हुए हैं. सो बेसिकली देर इज नो मीडियोक्रेसी, देर इज नो लीनियंसी और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपको लगे कि हाँ ये किरदार जो है एक सामान्य आदमी का है या एक सामान्य रोल का है, या तो एक्टर्स इस रेंज में है या तो एक्टर्स इस रेंज में. तो इस वजह से जो बहुत सारे ट्रायल एंड एरर दिए गए हैं उस वजह से मूवी कुछ ज़्यादा ही क्वालिटी की कोशिश करती है, लेकिन स्क्रिप्ट जो बहुत ही मिनिमल है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आके फेल हो जाती है. तो दोस्तों मेरा वर्डिक्ट ये है कि इसको आपको थिएटर में देखने की जरूरत नहीं है. अगर आप इतने ग्रेट स्टार कास्ट अमिताभ बच्चन के फैंस हैं तो आप जरूर एक बार देख सकते हैं. वेयर एज दिस कैन बी इजीली सीन ऑन DTH वीडियो ऑन डिमांड और यू कैन रेंट ऑन ब्लूरे. लेकिन फॉर दैट वर्डिक्ट आई विल जस्ट गिव इट एन एवरेज मूवी ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्टार कास्ट. RGB के शॉट्स और RGB के जो ट्रेडमार्क सीन्स हैं और एक्टिंग वाइज कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में मूवीज में नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल मूवी डजंट शाइन इन द वे इट्स सपोज टू बी.